नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ ज्योत्सना। कतर के रेगिस्तान में मिले रहस्यमय चिन्ह ने खोजकर्ताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। ये आकृतियां कतर के उत्तर पूर्व में अल जसासिया के रेगिस्तान में मिली है। पुरातत्व विदों ने अल जसासिया में कुल 900 पत्थर पर नकाशी या पेट्रोग्लिफ्स पाए हैं। इनमें से ज्यादातर पैटर्न कुछ समझा नहीं जा सकता है। ये आकृतियां कई तरह के पैटर्न पर आधारित है, कुछ में तो पानी के जहाजों के चिन्ह भी बने हुए हैं। कतर म्यूजियम के उत्खनन और साइट मैनेजमेंट के चीफ फरहान शकल ने कहा कि अरब प्रायद्वीप में रोक कला आम है। अल जसासिया में कुछ नकाशी आदित्य है जो कहीं और नहीं मिल सकती है। यह नकाशी उस स्तर की रचनात्मक और उस समय के कलाकारों की क्षमता के बारे में काफी कुछ बताती है। उन्होंने ऐसी जगह पर जहाजों वाले चित्र को बनाया है जहाँ से समुद्र को देखने भी मुश्किल है। कतर में लगभग 12 ऐसी नकाशियां मिली है, इनमें से ज्यादातर कतर के तटीय क्षेत्रों में बने हुए हैं। हालांकि कुछ नकाशियों को दोहे के अलबिदा पार में देखा गया। अल जसासिया को पहली बार 1997 में खोजा गया था। ये दोहे से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस इलाके में कौन सी पैटर्न की लाइन शामिल थी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस इलाके में बनी सबसे प्रमुख पैटर्न में 7 छेदों की 2 समांतर लाइनें शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि इनका उपयोग मनकला खेलने के लिए किया जाता था। मनकला प्राचीन काल से दुनिया के कई हिस्सों में खेला जाने वाला लोकप्रिय बोर्ड गेम है। इसमें जिसमें 2 खिलाड़ी पत्थरों के टुकड़ों को उछालकर खेला करते थे। ये खेल आज के लूडो से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों के बीच इन आकृतियों के समय को लेकर विवाद है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे नवपाषाण से लेकर इस्लामिक काल के अंत तक के समय में बनाया गया। वहीं कुछ का मानना है कि इनके कुछ 100 साल से अधिक पुराने होने का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि सभी वैज्ञानिक इन आकृतियों के बारे में जानकारी के लिए और अधिक शोध पर जोर दे रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।